अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। टूंडला एसडीएम डॉक्टर बुसरा बानो ने आईएएस की परीक्षा में 234वीं रैंक की हासिल। वार्ता के दौरान बताया, ये मेरी दूसरी रैंक है, 2009 में मेरी भी रैंक थी, इंतजार था तो परिणाम कब आए। जैसे ही परिणाम आया खुशी हुई, परिवार के लोगों ने मिठाई खिलाकर खुशियां बनाई। हमें बताया कि एसडीएम का पद संभालते हुए आज आईएएस में 234वीं रैंक प्राप्त की है, साथ ही दो छोटे छोटे बच्चे और 15 घंटे काम भी करते हुए पद की भी जिम्मेदारियों को निभाना है। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। काफी खुशी हो रही है, जब मुझे उम्मीद नहीं थी रिजल्ट इतनी जल्दी आएगा। 22 तारीख को परसों ही इंटरव्यू खत्म हुए थे, आज मैंने ऐसे ही कुछ ग्रुप्स में देखा कि आज रिजल्ट आ रहा है, तो मैं बस इंतज़ार ही कर रही थी और शायद जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही मैंने देखा है। और जब देखा तो काफ़ी अच्छा लगा कि रैंक आई है और ये मेरी दूसरी बार रैंक है। 2019 में भी मेरी रैंक आई थी 270। तो सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने दुआओं से नवाजा और काफ़ी मेहनत की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। आप पूर्व में टूंडला एसडीएम है, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किस तरीके से मेहनत की और क्या? जैसा आप जानते हैं कि एक एसडीएम के रूप में काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो मैनेज करनी होती हैं। 24 घंटे ना कहें तो लगभग 15 घंटे तो हमें देने ही पड़ते हैं इस जॉब के लिए। साथ में माशाल्लाह मेरे दो बच्चे भी हैं, अभी छोटे छोटे हैं, तो इन सब के बीच में जो भी टाइम निकलता था और उसमें कोशिश करते थे कि कुछ पढ़ाई कर लिया करें, तो वही टाइम निकाल के और थोड़ा सा मैंने टाइम लगभग 15 दिन की छुट्टी भी ली थी मेंस एग्ज़ाम से पहले, और उस दौरान मैंने पढ़ाई की और एग्ज़ाम निकला, इसकी काफ़ी खुशी है। और लोग भी मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से जॉब के साथ निकालेंगे। महिलाएं आजकल प्रगति पर हैं और महिलाओं और लोगों से क्या कहना चाहती हैं? काफ़ी अच्छी बात है, जब मैंने रिज़ल्ट देखा है कि टॉप 25 में जो 12 पोस्ट महिलाओं ने ली हुई हैं यूपीएससी में, और हर ही जगह पे हमारा फीमेल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, लेकिन उतना नहीं हुआ है जितने की ज़रूरत है क्योंकि हम आधी आबादी हैं। तब भी मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप आगे बढ़ें, आपकी जो भी ख्वाहिश है, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं तो आप उसमें आगे आएँ, उसको पूरी करने की दिशा में बढ़ें। साथ में मैं उनकी फ़ैमिली से कहना चाहूँगी कि वो उनको प्रॉपर सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत टाइम उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती क्योंकि फ़ैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जैसा मेरी फ़ैमिली ने सपोर्ट किया है, सभी की फ़ैमिलीज़ को करना चाहिए, तो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और हमारा इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन के साथ पॉलिटिकल और जॉब में सभी जगह रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। इस विभाग में अभी तैनात की और कैसे आगे काम करेंगे? मैं इस टाइम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी टूंडला के पद में तैनात हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मुझे मेरी रैंक के हिसाब से इंडियन रेवेन्यू सर्विस अलॉट होगी। और जैसे शायद आपको जानकारी हो कि मेरा जो उप जिलाधिकारी के रूप में जो कैरियर है वो काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी कोशिश करती हूँ मैं चीज़ों को बेहतर करने के साथ में। से पहले भी मैंने लगभग, ये मेरी 12वीं साल है जॉब का, जिस विभाग में मैं रही हूँ मैंने अच्छा ही काम किया है, और उम्मीद करती हूँ कि जिस मैं आगे भी जाऊँगी वहाँ भी काफ़ी मेहनत करूँगी, देश सेवा करूँगी।